guys, welcome back to my channel. Myself Imani. So today I'm back with another video, and this video is going to be related as a stationery haul video. Yes guys, आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि दी एक स्टेशनरी हॉल वीडियो लेके आओ, स्टेशनरी हॉल वीडियो लेके आओ. तो पहले मैं स्टेशनरी हॉल वीडियो लेके आ गई हूँ. एंड एक और चीज जो आप उसे बहुत ज्यादा पूछते हो कि दी आप कौन सी कंपनी के पेंस यूज करते हो जो आपकी हैंडराइटिंग इतनी ब्यूटीफुल आती है. तो आज मैं ये भी आपके साथ बताने वाली हूँ कि मैं कौन सी कंपनी की पेंस यूज करती हूँ, ब्लू हो, ब्लैक हो या बॉल पेन हो, कौन सी कंपनी की यूज करती हूँ. तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपने पेंस की कंपनी. एंड मैंने दो तीन दिन पहले काफी सारी स्टेशनरी आइटम्स ली हैं, काफी सारी तो नहीं है, थोड़ी बहुत ही है. यहाँ पर पड़ी है, वो यहाँ पर रखी है मैंने सारी स्टेशनरी की आइटम्स. बट मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं मैंने क्या क्या लिया है. और फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्स से. काफी सारे रजिस्टर्स लिए हैं, ये है मेरे रजिस्टर्स, काफी सारे हैं, चलो मैं बताती हूँ आपको. तो पहला है ये फ्री माइंड का स्पाइरल नोटबुक, स्पाइरल रजिस्टर है ये. वैसे मैं स्पाइरल यूज नहीं करती हूँ, मैं आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मैं स्पाइरल यूज नहीं करती हूँ. ये है देख लो, फ्रंट से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इधर वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा बट रियलिटी में ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है. लाइक ये पेड़ होना था वैसे, पर इधर यू नो पत्ते की जगह ये ब्रेन बनाया हुआ है और इधर एक पानी दे रहा है पेड़ को. काफी ज्यादा एस्थेटिक लुक आ रही है, काफी ब्यूटीफुल है. तो ये फ्री माइंड का है, फ्री माइंड कंपनी का, और ये मुझे पड़ा है 140 रुपीज का. एंड ये मैंने बायो के लिए लिया है. उधर काफी सारे नोटबुक्स थे, काफी सारे नोटबुक्स थी, काफी सारे रजिस्टर्स थे, बट मैंने ये वाला चूज किया क्योंकि ये बायो के लिए मतलब परफेक्ट मैच हो रहा है, आई गेस काफी अच्छा लग रहा है. तो ये मैंने बायो के लिए लिया है और काफी ब्यूटीफुल भी लग रहा है. देखो जरा मतलब कितना प्यारा लग रहा है, ये ग्रीन कलर का और ये बायो के लिए तो परफेक्ट लग रहा है, एकदम परफेक्ट. तो ये मैंने बायो के लिए लिया है स्पाइरल नोटबुक, स्पाइरल रजिस्टर. एंड सेकेंड आता है मेरा ये नॉर्मल वाला रजिस्टर, मतलब ये इसमें कोई स्पाइरल वाली नहीं है, ये नॉर्मल वाला है. एंड इसके ऊपर लिखा है बिलीव योर इनर पावर. लुक, ये मेरे को ना बाहर से देख के बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ये वाला लिया. और पीछे से भी ऐसा ही है सेम. तो ये एवर शाइन का है, यू कैन ट्रस्ट अपॉन, यू कैन ट्रस्ट अपॉन. ये एवर शाइन के रजिस्टर्स हैं, लुक इतने ज्यादा है. और ये मेरे को पड़ा 100 रुपीज का, ये वाला रजिस्टर. ये मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लिया है, देखती हूँ अभी किसको लगाना है मैंने. बट ये भी काफी सुंदर लग रहा था, पिंक कलर का. एंड इस पे एक लड़की म्यूजिक सुन रही है और इधर लिखा है बिलीव योर इनर पावर. ये वाला मैंने लिया है 100 रुपीज का. ओके, तो नेक्स्ट आता है मेरा ये नॉर्मल वाला रजिस्टर अगेन. इस पे लिखा है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव. लुक, ये भी कितना प्यारा लग रहा है मतलब. और ये मेरे को 120 रुपीज का पड़ा, ये वाला इतना है ये देखो. एंड इसके पीछे है लियोनेल मेसी, इन्होंने इधर बताया है यू हैव टू फाइट टू रीच योर ड्रीम, यू हैव टू सैक्रिफाइस एंड वर्क हार्ड फॉर इट. लवली, मतलब अमेजिंग मोटिवेशनल क्वोट इधर लिखा हुआ है एंड इट्स सो गुड. जस्ट ये मेरे को 120 रुपीज का पड़ गया. ये भी काफी प्यारा है, काफी ज्यादा प्यारा है. इसका प्रिंट बाहर से इनकी ना ये जो लुक है ये इससे ही मैंने लिया है, बाहर से इनकी लुक्स काफी अच्छी थी तो इससे मैंने लिया. तो ये तीन रजिस्टर्स मैंने लिए थे अपने तीनों सब्जेक्ट के लिए, ये वाला तो मैंने खास बायो के लिए लिया था. नेक्स्ट है ये दो रफ कॉपीज, ये दो मैंने रफ कॉपीज लिए हैं क्लासमेट की. एंड इनके पेजेस लाइक वाव, मतलब ये काफी मतलब इतने ज्यादा काले भी नहीं है, जो काले वाली कॉपी होती है ना वो ज्यादा ब्लैक होते हैं उसके पेजेस, तो इतने काले भी नहीं है, ग्रे जैसे कलर में है और काफी अच्छी है. मतलब इन पे पेन बड़े स्मूथली ग्लाइड करता है. आई लव दीज नोटबुक्स, ये मैंने पहले भी यूज कर रखी है. सो या, ये क्लासमेट की मैंने दो रफ कॉपीज ली हैं. तो नेक्स्ट मैंने ये डायरी ली है, छोटी सी है काफी, 10 रुपीज की पड़ गई थी मेरे को. और इसका प्रिंट भी लाइक बाहर से कितना ब्यूटीफुल है, लुक कितना ज्यादा. तो इसका ना काफी छोटी थी ये मेरे को टू डू लिस्ट बैग, ये बैकग्राउंड से इतनी गंदी आवाज आ रही है ना, और छोटी सी है काफी, 10 रुपीज की मेरे को पड़ गई है, काफी क्यूट सी है. इस पे मैं टू डू लिस्ट वगैरह बनाऊंगी अपनी. लुक, ऐसे पेजेस हैं इसके, काफी क्यूट थी तो मैंने ले ली. टू डू लिस्ट वगैरह बनानी, यू नो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो ये मेरे काम आ जाएगी. सो या, नेक्स्ट ये देख लो पहले तुम,
ये इरेजर मैंने लिया, डॉम्स का इरेजर, ये मेरे को 10 रुपीज का पड़ गया और काफी क्यूट सा है ये, ऐसे इसको ओपन करते हैं और ये है, ये मेरे को 10 रुपीज का पड़ गया। तो ये इरेजर है। तो नेक्स्ट है ये लिंक के पेंस, दीज आर जस्ट लाइक वाव, मतलब ये मेरे फेवरेट पेन्स हैं लिंक के। और पहले तो इनके कलर ही देख लो यार तुम, कितने एस्थेटिक हैं। इनको मैं पहले भी यूज कर बैठी हूँ और ये इतने बढ़िया ग्लाइड करते हैं ना कॉपी के ऊपर, काफी ज्यादा अच्छे हैं ये पेन्स। ये मेरे फेवरेट हैं, तो मैं बॉल पेन्स इन्हें यूज करती हूँ। अगर मैं बॉल पेन वैसे मैं कम यूज करती हूँ, बट या ये हैं ये, ओह माय गॉड। तो ये हैं बॉल पेन्स जो लिंक के, ये बेस्ट पैकेट था बट मैंने खोल दिया है अभी इसको। एंड ये लिंक के पेन्स हैं, इनको मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं बताऊँ ना, अगर आप बॉल पेन लेना चाहते हो तो ये वाले ले लो, ये वाले परफेक्ट है। पर पेन 15 रुपीज़ का पड़ता है मुझे, और दीज आर जस्ट लाइक वाव, इतने प्यारे, मतलब दिखने में ही देखो तुम कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, एस्थेटिक वाले, बट चलने में ज़्यादा बढ़िया हैं। तो ये वाले पेन्स मैंने लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं इन्हें मेनली यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये दो हाइलाइटर्स, ये दो हैं, एक है ग्रीन कलर का और एक है पर्पल कलर का। तो ये लाइट हैं, लाइट में मैंने लिए क्योंकि मेरे को लाइट में पसंद है, डार्क वो फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, चटकीला भड़कीला सा हो जाता है। तो मैंने ये लाइट कलर में लिए हैं, ब्लैक, ब्लैक बोलूँ मैं, पर्पल एंड ग्रीन में। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। और पहले भी मैंने लाइट में ले रखे थे, ये ब्लू स्काई में और ये पीच कलर में। नेक्स्ट हैं ये फ्लेयर्स के बॉल पेन्स, काफ़ी सारे हैं ये, मैं खुले ही लेके आई थी, ये पैकेट में नहीं थे, ये खुले ही थे। तो ये काफ़ी सारे पेन्स हैं और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं बताऊँ ना, बॉल पेन्स की कंपनी अगर आपको, जो मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, पहली तो सेल्लो है, दूसरी ये है कौन सी, लिंक की, और तीसरी है फ्लेयर की SRX की पेन। ओ माई गॉड, ये तीनों पेन मेरे फेवरेट हैं। और मैं ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मैं पेन चला के देखती रहती हूँ कि कौन सा पेन अच्छा है, कौन सा पेन अच्छा है। तो बट ये तीन मुझे बेस्ट लगते हैं, और ये तो मैंने काफ़ी सारे ले आई हूँ, ये पेन्स मैं लेके आई थी काफ़ी सारे हैं, देखो इनको तो मैं बहुत भर भर के लेके आई हूँ, ये खुले ही थे, इसके साथ कोई पैकेट नहीं था, तो काफ़ी सारे पेन्स हैं। बट ये फ्लेयर के SRX के पेन हैं और दीज आर जस्ट लाइक वाव वाव। तो नेक्स्ट हैं ये स्टिकी नोट्स, ये मैं लेके आई हूँ, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेट मी शो यू। ये वाला मैं लेके आई हूँ एक, और एक दूसरे वाला है, इधर है ग्रीन कलर पहला, उसके बाद है लाइट पिंक, उसके बाद हॉट पिंक, उसके बाद ऑरेंज एंड देन लाइटी कलर। तो ये ऐसा सेम मेरे पास ऑलरेडी था, बट ये कुछ लाइट वे में है, मतलब ये लाइट है, थोड़े कलर के लाइट हैं, बट सेम ऐसे मेरे पास ऑलरेडी थे। एंड उसके साथ मैंने लाए ये वाले, ये इस टाइप में है, और इसमें मेरे पास ऑलरेडी थे सेम ऐसे ही, बट ये पिंक की जगह ना ऑरेंज कलर था, बट अच्छी बात पिंक है। तो चलो, ये पैकेट भी मेरे को 55 रुपीज़ का पड़ गया, दोनों पैकेट मेरे को 55 रुपीज़ के पड़े, 55 55। ओके, तो ये स्टिकी नोट्स मैंने लाए, काफ़ी सारे ने लाए क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ स्टिकी नोट्स। नेक्स्ट अगैन बॉल पेन्स, बॉल पेन्स मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि यू नो मैं रफ वर्क जब करती हूँ या फिर कोई चीज़ लर्न करनी होती है उसको मैं लिख के करती हूँ, तो मैंने बॉल पेन्स काफ़ी ले आई हूँ मैं आपकी बात। ये सेल्लो के बॉल पेन्स, बॉल पेन्स में मैं बताऊँ ना तो सेल्लो, लिंक और फ्लेयर के पेन इज द बेस्ट। ये जो तीन कंपनीज है ना, ये सबसे ज़्यादा मैं बॉल पेन में यूज़ करती हूँ। तो ये सेल्लो के पेन्स मैं लेके आई हूँ और ये पैकेट मेरे को 100 रुपीज़ का पड़ गया, पर पेन 10 रुपीज़। तो ये वाले तो आपने देखे होंगे, ये नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं इसको। और ये वाले मैं लेके आई हूँ एक पैकेट, बॉल पेन्स में काफ़ी सारे लेके आई। नेक्स्ट हैं ये ब्लैक पेन्स, ब्लैक जेल पेन्स जो मैं लेके आई हूँ, ब्लैक है बस, ब्लैक है। तो ब्लैक पेन्स मैं लेके आई हूँ हाउसर के, और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ये वाले पेन ये न्यू आए थे उधर, तो हाँ मैं इनको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बट ब्लैक पेन में इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ब्लैक पेन्स मैं एक ही पैकेट लेके आई हूँ, ये हाउसर का ब्लैक पेन, इनको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ब्लैक पेन्स ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने कंपनी रखी रखी है, ये वाला फेवरेट है, ब्लैक पेन्स कोई भी चलेगा भाई, कोई भी। तो ये मैं लेके आई हूँ ब्लैक पेन्स न्यू वाले। नेक्स्ट है ये ब्लू जेल पेन्स हाउसर के, ये तो मैं जेल पेन्स की ये वाली कंपनी रखती हूँ, ये वाले ही मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, देखो इधर ऑलरेडी पड़े हुए मेरे पास सेम ऐसे ही। तो जेल पेन्स में हाउसर के, ये एरोक्स वाले जेल पेन्स में यूज़ करती हूँ ये वाले,
तो ये भी मेरे को 100 rupees का पड़ गया। तो जेल पेंस का भी मैं एक ही पैकेट लेके आई हूँ और दीज आर माई फेवरेट वंस। ये वाले तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो ये वाले मेरे फेवरेट हैं इसलिए मैं इनको लेके आई। ये सारे थे और उसके बाद लास्ट चीज़ जो मैं लेके आई थी इज ये शीट्स, A4 साइज शीट्स हैं ये जिन पे मैं नोट्स बनाने वाली हूँ। रुक जाओ, ये मेरे को 250 रुपये की पड़ गई थी, 250 की, और इसमें है 500 शीट्स। देखो इसको मैंने ओपन करके रखा है, 500 शीट्स हैं इसके अंदर। प्लेन पेपर हैं ये, प्लेन शीट्स हैं और इस पर मैं नोट्स बनाने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मेरा जो रफ वर्क का था ना, जो मैं कागज़ पे लिख के पढ़ती थी, वो कागज़ सारे ख़त्म हो गए और अभी मैं इन पे करने वाली हूँ सारा काम अपना। तो ये मैं 250 रुपये की लेके आई थी, काफ़ी ज़्यादा शीट्स हैं। आई गेस ये पूरी क्लास में मेरी ख़त्म नहीं होंगे, अभी प्लस टू में ख़त्म नहीं होंगे इससे। तो मेरी बहन को भी काफ़ी सारा काम रहता है तो वो भी इसको यूज़ कर लेंगे। एंड ये सारी थी स्टेशनरी की आइटम्स जो मैंने ली थी, काफ़ी सारी तो नहीं थी, थोड़ी सी थी, मैं ऐसे ही बोल रही थी काफ़ी सारी थी, थोड़ी सी थी यार, ऐसे ही मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार वाली फीलिंग आ गई है। तो इनको मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ फिलहाल के लिए इधर। और ये सारी थी मेरी स्टेशनरीज जो मैं लेके आई थी बाजार से और ये सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। क्या है भाई, ओके सो ये सारी स्टेशनरी आइटम्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। काफी सारी तो नहीं थी, थोड़ी सी थी, मैं ऐसी बोली थी काफी सारी थी। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें थी मेरे पास और अभी इन सभी को मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपने डेस्क के ऊपर। काफी सारा काम है, मेरे को इतना ज्यादा कूड़ा डाल दिया, अभी आपको दिखाते हुए मैंने इतना ज्यादा कूड़ा डाल दिया। फिलहाल के लिए दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।